नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलिंग के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। मिलिंग क्या होता है? मिलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एक रोटेटिंग कटर की सहायता से, एक मल्टी टीथ रोटेटिंग कटर की सहायता से किसी वर्कपीस में कोई स्लॉट कट करना, कोई कीवे कट करना, मींस कोई फॉर्म शेप बनाना, तो उसके ऊपर से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना। जो वर्कपीस यूज होता है उसके ऊपर से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज मिलिंग प्रोसेस। तो सिंपल वर्ड में बात करें, एक रोटेटिंग कटर के अगेंस्ट एक वर्कपीस को ले जाकर उसके ऊपर से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना, वो प्रोसेस होता है मिलिंग का प्रोसेस। आज हम बात कर रहे हैं कि जो मिलिंग मशीन है उसकी सहायता से कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, कौन कौन से वर्क किए जा सकते हैं, वर्कपीस पे किस प्रकार के कट लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं, अगर सिंपल की मैं बात करूं तो जैसे प्लेन मिलिंग कर सकते हैं, कोई वर्कपीस पे है उस पे से कहीं से भी कोई एक्सेस मटेरियल रिमूव करना, तो वो होती है प्लेन मिलिंग। तो प्लेन मिलिंग कटर की सहायता से, जैसे ये एंड मिलिंग दिखाई दे रही है या फेस मिलिंग समझें, तो ये कुछ उस प्रकार का ही है। एक होता है साइड मिलिंग। साइड मिलिंग में क्या है, साइड से मिल कर देना, साइड से कोई वर्कपीस है वहां से कट लगा देना, साइड मिलिंग कटर की सहायता से, जिस कटर के ऊपर उसके आउटर पेरिफेरी पे टीथ हो और साइड से टीथ स्टार्ट हो, तो वो होता है साइड मिलिंग कटर। अब मेन मेन इन फिगर्स पे आते हैं, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है, इसमें फिगर्स में बात करें तो फेस मिलिंग, एज द नेम इंडिकेट, जो वर्कपीस जो है उसकी फेसिंग करे, वर्कपीस के फेस से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करे, उसको हम बोलेंगे फेस मिलिंग। तो जो एंड मिल कटर होता है, एक शाफ्ट है, उस शाफ्ट के एंड पे यहाँ पे ये कटिंग टीथ होते हैं, इन कटिंग टीथ की सहायता से हम कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वर्कपीस के फेस से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने का फंक्शन करते हैं। तो इस प्रकार होती है फेस मिलिंग। नेक्स्ट है एंगुलर मिलिंग, एज द नेम इंडिकेट, जो एंगुलर इन शेप कटिंग करे, जैसे ये वर्कपीस है इस पे से एंगुलर इन शेप हम कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो वो होगा किसकी सहायता से, जो हमारा कटर होगा वो होगा एंगुलर मिलिंग कटर। मींस एक एंगुलर मिलिंग कटर को आर्बर पे अडॉप्ट किया जाएगा और उसको कंटिन्यूअसली रोटेट करेंगे और उसके अगेंस्ट हम वर्कपीस को ले जाएंगे ताकि इस पे कट लगाया जा सके और इस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो इस प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मींस एंगुलर कटिंग होगी। यदि ये सिंगल साइड में एंगुलर होता, दूसरी साइड में प्लेन, तो एक साइड में प्लेन कटिंग होती और दूसरी साइड में एंगुलर कटिंग होती, लेकिन क्योंकि ये डबल साइड एंगुलर कटर है तो डबल साइड ही एंगल कटिंग होगी। तो इस प्रकार वर्कपीस में हम डबल साइड एंगल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेस मिलिंग कटर। फेस मिलिंग कटर जिसमें जो फेस है उसके ऊपर यहाँ पे टीथ हो, इस केस में हम क्या करते हैं, जो वर्कपीस है उसको एंगुलर जो प्लेट होगी, जो एंगल प्लेट आती है, उस एंगल प्लेट पे एक सर्टेन एंगल पे फिक्स करेंगे और फिर इस फेस मिलिंग कटर की सहायता से जिसके फेस पे टीथ है इसके ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो ये होती है एंगुलर मिलिंग, एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट है फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन। फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, स्पेशल टाइप की कोई हमें शेप बनानी है, जैसे ये स्पेशल टाइप की शेप दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ये सेमी सर्कल टाइप में, तो ऐसी शेप बनाने के लिए हमें एक फॉर्म मिल कटर का यूज करना पड़ता है। फॉर्म मिल कटर से मीनिंग, वो कन्वेक्स शेप भी हो सकता है और वो कनकेव शेप भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। जिस प्रकार की शेप हमें वर्कपीस में जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो कॉनकेव या कन्वेक्स टाइप का कटर यूज किया जाता है। आर्बर पे उसको माउंट करके कंटिन्यूअसली रोटेट करके और वर्कपीस पे से इस प्रकार मटेरियल को रिमूव किया जाता है ताकि ऐसी शेप बने। नेक्स्ट ऑपरेशन है स्ट्रेडल टाइप ऑपरेशन, मींस स्ट्रेडल टाइप मिलिंग ऑपरेशन। कोई वर्कपीस है उस पे से डबल साइड में इस प्रकार से कटिंग करना। स्ट्रेडल से मीनिंग क्या है, एक कॉमन शाफ्ट, एक आर्बर जो है हमारे पास, उस पे दो मिलिंग के जो कटर है उनको हम अडॉप्ट किया हुआ है, हमने दो मिलिंग के कटर्स को अडॉप्ट करके, वो प्लेन भी हो सकते हैं या जैसी रिक्वायरमेंट है शेप
वैसी हम उस पर अडॉप्ट करेंगे और इस प्रकार से वर्कपीस पे डबल साइड में कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक टाइम पर। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों साइड में एक वर्कपीस पे वर्क हो रहा है। तो इस तरह से स्ट्रेडल मिलिंग मींस दो कटर्स का यूज करके हार्बर पे और स्ट्रेडल मिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि हेक्सागोनल कोई टाइप शेप है, सरफेस जो है उस पे ये जो कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, इस प्रकार भी हम कटिंग कर सकते हैं। ये शाफ्ट है, इस पे कटर्स का यूज करके और आसानी से हम कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैंग मिलिंग। एज द नेम इंडिकेट, गैंग जो है वो है मिलिंग कटर्स पे अप्लाई होता है। मींस एक कॉमन हमारा शाफ्ट है, एक कॉमन शाफ्ट से मतलब क्या है कि आर्बर है, उस आर्बर पे दो से ज्यादा मिलिंग के कटर सेम टाइम पे यूज करें हम और उस पे वर्क परफॉर्म करें। दो या दो से ज्यादा वर्क जो कटर है उनको सेम टाइम पे आर्बर के ऊपर अडॉप्ट किया जाए और वर्कपीस पे कटिंग की जाए, तो ये भी जो होता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए होता है। हमें मान लीजिए किसी वर्कपीस पे जो वर्क कर रहे हैं उस पे तीन स्लॉट कट करने हैं एक बार में, तो तीन स्लॉट आसानी से कट कर सकते हैं। यदि उस पे तीन स्लॉट काटने होते और एक ही कटर होता तो हमें तीन बार उस वर्कपीस को सेट करना पड़ता। इससे क्या होता, टोटल टाइम जो होता है प्रोडक्शन पे वो इंक्रीज हो जाता। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए एक बार में जो आर्बर है उस पे तीन जो कटर है वो लगाए जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि आसानी से स्लॉट काटे जा सके। तो ये होता है गैंग मिलिंग ऑपरेशन। तो ये थे दोस्तों वेरियस टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशन और वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए मिलिंग मशीन। थैंक यू दोस्तों।